कुल मिलाकर ये बजट भारत सरकार की आखिरी बजट है, विदाई बजट है इनकी, कि बिहार के साथ लगातार धोखा होता रहा है, धोखा होता आया है। तो बजट में मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर ये बजट आखिरी भारत सरकार की आखिरी बजट है, ये विदाई बजट है इनकी। बोलिए बस, कॉरपोरेट भाइयों के लिए अंतिम में इनको जितना करना चाहिए था एनजीओस के लिए, चीजों के लिए, इन्होंने भरपूर कर दी। ना इन्होंने महंगाई पर कुछ किया, ना रोजगार पर कुछ किया, ना आधी आबादी महिलाओं पर कुछ किया, और ना ही युवाओं पर कुछ किया। अब कंप्लीट रूप से मैं कंफ्यूज है। मैं पहले भी बताया था कि जब मनमोहन सिंह जी थे तो मात्र 20-30% के लगभग केंद्रीय योजना में बिहार सरकार का मात्र 10-20% हिस्सा देना हो पड़ता था। अब हमको 50% हिस्सा देना पड़ता है। बिहार अगले साल 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हमने लगभग उनको मिनिमम, आप उसको यदि देखिएगा तो उसको पता चलेगा आपको कि हमने कितना पैसा दिया अभी तक। तो उसमें 2.5 लाख करोड़ लगभग हमने जीएसटी और वैट टैक्स हमने दिया, 1/3 भी बिहार को उसने रुपया नहीं दिया, 1/3 अभी तक। हम जानना चाहेंगे कि दुनिया में इतना सौतेलेपन का व्यवहार क्यों। दूसरी चीज, आप सबसे बड़ी बात है कि राज्य की योजना बंद कर केंद्र सरकार केंद्रीय योजना थोप राज्य सरकार को कंगाल करना चाहती है। आखिर पूरे बजट से बिहार गायब क्यों है? एक भी पूरा बजट मतलब एक सुन भी नहीं। क्या बिना बिहार के भारत की तरक्की की जा सकती है? जरा हमको नरेंद्र मोदी जी बता दें, और उनके जो ज्ञानी इस पूरे बजट में बिहार किसान मजदूर कर्मचारी ग्रामीण गांव भारत से कंप्लीट रूप से लापता है। इसमें मैंने पहले भी कहा, बजट से बौ से न बाजार है, जो से न जनता है, टो से न टका है, न अर्थव्यवस्था है। अब ये मनमोहन सिंह जी बताएंगे कि किस किस कॉरपोरेट को ये खुश करने के लिए आज तक इन्होंने ऐसा किया है। ये मोदी जी किस किस कॉरपोरेट को खुश करने के लिए आज तक इन्होंने ऐसा किया, पहले भी किया। और यह देश का बजट नहीं है, ये कॉरपोरेट का बजट है, विदाई बजट है, अदानी अंबानी और पूंजीपतियों का बजट है। एनजीओ अपने आरएसएस के एनजीओ जितने बनाए हैं उसको खुश करने के लिए बजट दी गई है। बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि बिहार के साथ लगातार धोखा होता रहा है, धोखा होता आया है। हमसे आप इतना 2.5-3 लाख करोड़ रुपया लेते हैं, ऊपर से 50% हमसे लेने लगे और हमको उसका 1/3 भी आप नहीं देते। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।